नमस्कार, सस्तियाकाल, स्वागत है आप लोगों का दोस्तों एक बार फिर से। नाउन का सेशन चल रहा है। नाउन के सेशन में हम लोगों ने एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस अभी तक किए हैं। आज भी हम लोग एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। बहुत धमाकेदार रहा पिछला सेशन, ये सेशन भी आप देखें कि एरर डिटेक्शन में बहुत धमाकेदार रहित होने वाला है। दोस्तों आप लोग जुड़े रहिए आप लोग उससे। क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये जो सेशन है एरर डिटेक्शन का, ये बहुत धमाकेदार है, क्योंकि इस एरर डिटेक्शन में बहुत सारे हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। इसीलिए मैंने इस सेशन को बहुत धमाकेदार किया। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों के सामने। मैंने 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सारे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन है। देखते हैं क्या एरर इसके अंदर है, कैसे उस एरर को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही एक्टेड नॉट एज पर माय एडवाइस बट समबडी एलजेस। मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान से आप लोग पढ़े इस क्वेश्चन को। ही एक्टेड नॉट एज पर माय एडवाइस बट समबडी एलजेस। ही एक्टेड नॉट, एक्टेड नॉट का मतलब होता है नहीं चलना, मेरे कहे पर नहीं चलना, मेरे एडवाइस पर नहीं चलना, मेरी जो सलाह मैंने उसको दी है उस सलाह को नहीं मानना। तो इसका मीनिंग समझ लेते हैं। He acted not as per my advice, उसने मेरे सलाह के मुताबिक उसने कार्य नहीं किया, but somebody else, लेकिन कोई और। अब इसमें आप देखें मीनिंग, उसने मेरी सलाह के हिसाब से काम नहीं किया लेकिन किसी और के साथ क्या हो, किसी और की सलाह, किसी और की। चलिए देखते हैं सेंटेंस में, ये तो पता चल रहा है कि एरर है, लेकिन एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग फर्स्ट वर्ड से ही हम लोग एरर ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं आएगा बाबा कि ये राउन का एरर है, ये किसी का भी एरर हो सकता है। चलिए ही एक्टेड नॉट, यहां देख लेते हैं कि आपका सब्जेक्ट हो गया प्रोनाउन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैपिटल भी है, कोई इशू नहीं है। एक्टेड वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये भी बराबर है, सेकंड फॉर्म में हमारा सेंटेंस चल रहा है। ही एक्टेड नॉट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज पर के मुताबिक माय एडवाइस, मेरे एडवाइस के हिसाब से, यहां देखने के लिए क्या है कि एडवाइस की स्पेलिंग एक बार आप लोग देखें कि अगर आपका एडवाइस जो है वो नाउन है तो स्पेलिंग जो है सी बराबर है, लेकिन अगर आपका एडवाइस जो है, यदि आपका एडवाइस जो है अगर वो वर्ब होता तो उसकी स्पेलिंग में एस आता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका एडवाइस जो है नाउन की तरह काम कर रहा है तो उसकी स्पेलिंग में सी आता है, और अगर आपका एडवाइस वर्ब की तरह काम करता है तो एस आएगा। जाहिर सी बात है यहां पर ही एक्टेड नॉट एज पर माय एडवाइस ऑब्जेक्ट है और ये यहां पर नाउन की तरह काम कर रहा है। आपका एडवाइस जो है नाउन है, सी है, एकदम बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बट लेकिन किंतु परंतु समबडी, कोई जो है कोई और। अब यहां फोर्थ में अगर हम देखें तो समबडी एल्स, यहां तो प्रॉब्लम लग रहा है, कोई और तक तो ठीक है, लेकिन हम कहना क्या चाह रहे हैं इसके अंदर, ये सेंटेंस में बोलना क्या चाह रहे हैं कि भैया उसने मेरी सलाह तो नहीं मानी लेकिन किसी और की सलाह मान ली। मेरे सलाह के हिसाब से तो वो नहीं चला लेकिन किसी और के एडवाइस के हिसाब से उसने काम किया। तो somebody else के बदले somebody else's, यहाँ पर apostrophe s लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? apostrophe will come। apostrophe का यूज यहां पर होगा somebody else's, क्या होगा किसी और का। जैसे हम बोलते हैं कि this is my brother's car, ये किसकी कार है? मेरे भाई की कार है। उसी तरीके से ये किसका एडवाइस मानता है? किसी और का। तो हिंदी में अगर समझे तो का के या की, अगर belongings या position की बात हो रही है कि वो किसी और के एडवाइस की बात हो रही है, उसके एडवाइस को ना मानते हुए वो जो है किसी और के एडवाइस को मानता है। तो और के, किसी और के, उसको पोजीशन शो कर रहा है, किसी और के
से रिलेट कर रहा है, उस केस में यहां पर अपोस्ट्रोफी एस आएगा। क्लियर है आप लोगों को, ये इसमें अपोस्ट्रोफी एस आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए मेनी ऑफ द क्वेश्चन, पहले थोड़ा क्वेश्चन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या है और उसमें मीनिंग क्या है, उसके बाद हम लोग अगर ढूंढते हैं। चलिए, many of the question appeared in this question paper are too difficult to solve. Repeat for the question, many of the question appeared in this question paper are too difficult to solve. बहुत से जो question हैं, जो इस question paper में आए हुए हैं, appeared मतलब है या आए हुए हैं, are too difficult, बहुत कठिन है solve करने के लिए, मतलब वो सॉल्व करने में हमको कठिन लग रहे हैं। चलिए मीनिंग हमको समझ में आया, फर्स्ट वर्ड से एरर ढूंढने की कोशिश करते हैं हम लोग। मेनी, देखिए मेनी ऑफ, अब यहां एक चीज आप देखिएगा, नाउन के जब हम लोग रूल पढ़ रहे थे उसमें मैंने क्लियर बताया था कि मेनी ऑफ, सम ऑफ, फ्यू ऑफ, एनी ऑफ, इस तरह से जब भी स्टार्टिंग होती है मेनी ऑफ, सम ऑफ, फ्यू ऑफ, इस तरह के कोई बहुत सारे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए थे, तो जब भी ऑफ आता है आपका ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी ऑफ, ठीक है, एनी ऑफ, इस तरह के जो वर्ड हमने लिए थे, तो जब भी यहां पर ऑफ आता है तो जो नाउन हम लोग लेंगे वो प्लूरल होगा। जो नाउन हम लोग लेंगे ऑफ के बाद मेनी ऑफ, एनी ऑफ, सम ऑफ, ठीक है, इस तरह से कोई वर्ड आता है ऑफ लिखा हुआ है तो नाउन जो आएगा वो नाउन आपका प्लूरल नाउन होगा। All the girls students are advised to attend the meeting.
बालिकाएं छात्र है, कितनी भी गर्ल स्टूडेंट है, बालिकाएं छात्र है, आर एडवाइस, उनको यहाँ पे एडवाइस किया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक बार नजर घुमाइए, एक बार नजर घुमाइए इस एडवाइस के ऊपर और इस एडवाइस के ऊपर। मैंने कहा था कि अगर यहाँ पर सी आ रहा है तो यहाँ पर नाउन होगा एडवाइस में, और अगर आपके एडवाइस में एस आ रहा है मतलब ये आपका वर्ब हो गया। क्या हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें। ये आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। और वर्ब हो गया भैया मतलब वर्ब की तरह ही इसका इस्तेमाल हो रहा है। यार एडवाइस कोई इशू नहीं है, बराबर है, ठीक है, मीनिंग समझ लेते हैं। और अगर स्टूडेंट सभी जो बालिका छात्राएं जो है वो उनको एडवाइस दिया जाता है, सलाह दी जाती है कि वो अटेंड करे। क्या अटेंड करे? मीटिंग अटेंड करे पॉजिटिवली। यहाँ पॉजिटिव का मतलब है भैया पक्के में, एकदम पक्के में। यहाँ पे पॉजिटिवली लिखा हुआ, लेकिन एक तरह से ऑर्डर है ये कि सबको करना ही होगा। तो सभी गर्ल स्टूडेंट को एडवाइस दिया गया है, गर्ल स्टूडेंट को, कि पॉजिटिवली वो मीटिंग में शामिल हो। अब ढूंढते हैं इसमें क्या है एरर, खोजी करके ढूंढना है एकदम। पहले वर्ड से शुरू करना है एरर ढूंढना। चलिए ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स, चलिए यहां देख लेते हैं, ऑल द की बात हो रही सभी, ठीक है। ये कभी भी याद रखना, इस तरह से जब दो दो प्लूरल हो रहे हैं आपके, दो दो प्लूरल हो रहे हैं, यहाँ पे देखो ये आपका, ये भी नाउन है गर्ल, और आपका स्टूडेंट भी नाउन है, लेकिन यहाँ पे जो है ये एडजेक्टिव नाउन हो गया। क्या हो गया? ये गर्ल एडजेक्टिव नाउन हो गया। एडजेक्टिव नाउन मतलब जब नाउन को एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे वो एडजेक्टिव नाउन कहलाएगा। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन हो कि बॉय स्टूडेंट, ठीक है, या मेल टीचर्स है ना, या फिर फीमेल टीचर्स, या फिर मेल सर्वेंट्स, या फिर फीमेल सर्वेंट्स, तो इस तरह से कभी भी हो तो फर्स्ट वाला जो नाउन है उसमें एस नहीं लगाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि दो नाउन जब एक साथ आ रहे हैं, हालांकि एक नाउन एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, विशेषण की तरह काम कर रहा है ना, कैसे स्टूडेंट्स है वो, लेडी स्टूडेंट्स है या गर्ल स्टूडेंट्स है, तो उस केस में कभी भी याद रखिएगा, कभी भी ऐसे दो नाउन अगर एक साथ आ रहे हैं, दो नाउन एक साथ आ रहे हैं और उसको अगर आपको प्लूरल में शो करना है तो प्लूरल का जो एस है वो यहाँ लगेगा सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में कभी भी एस नहीं लगेगा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बिल्कुल अपने दिमाग में एकदम सेट करके रखिए। तो ये गर्ल्स जो है नहीं होगा, ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स होगा। क्या होगा? ऑल द गर्ल स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे बालिका छात्राएं होगा, बालिकाएं छात्राएं नहीं होगा, ठीक है, बालिका छात्राएं, गर्ल स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। चलिए आर, कोई प्रॉब्लम नहीं, एडवाइस, यहाँ पे इसमें भी कोई इशू नहीं, दिया एडवाइस टू, क्या एडवाइस किया? एडवाइस टू अटेंड करने के लिए। देखो टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है, टू के बाद जो है वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। द मीटिंग पॉजिटिवली, यहां पे कोई इशू नहीं है, दे आर एडवाइस टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली, ओके, क्लियर है। इसमें रूल नंबर 3 में आपको एरर पता चला, फर्स्ट वाले में एरर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। द इंग्लिश टीचर gave him a homework to complete that by 9 positively. फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। The English teacher gave him a homework to complete that by 9 positively. English teacher ने उसको homework दिया, है ना? वो homework दिया जो कि उसको कब complete करना है? By 9. By 9 मतलब रात तक है, होमवर्क उसको मिला हुआ है, उसको नाइट तक वो होमवर्क कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन हमने समझ लिया, देखते हैं क्या एरर इसमें नजर आ रहा है हम लोगों को। आप लोग भी अपने दिमाग लगाए, पता है मुझे फटाफट, आप लोग सोच के बताएं।
चलो मुझे 5 होमवर्क दिए, तो वो नहीं होता है, 5 होमवर्क नहीं होता है, 5 सब्जेक्ट में होमवर्क हो सकता है, ठीक है, 5 टॉपिक पर होमवर्क हो सकता है, ठीक है, या फिर 5 अलग अलग चीजों पर होमवर्क हो सकता है। ये 5 होमवर्क कैसे हो सकते हैं? होमवर्क तो होमवर्क ही होता है ना, गृह कार्य गृह कार्य होता है, गृह कार्य वो नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको लॉजिक लगाना है, होमवर्क जो शब्द है आपका ये अनकाउंटेबल है, अगर हिंदी इसका हम लोग देखें तो एक जो छात्र है उसको
सब हर एक चीज पे भरोसा नहीं कर लेना चाहिए जिसको वो पाता है ना, जिसको कि वो किताब में लिखता है। तो यहाँ पे वो कौन है, इट क्या है, ये इट किसकी बात हो रही है, इट यहाँ पे प्रोनाउन है, लेकिन किसकी बात हो रही है, प्रोनाउन जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रोनाउन रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे इस वाले नाउन को। ध्यान से समझिए दोस्तों, वो जो प्रोनाउन है इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोनाउन सेक्शन का, इट जो है ये आपका प्रोनाउन हो गया। ठीक है, प्रोनाउन होता क्या है भाई, सरल भाषा में समझना है तो प्रोनाउन क्या होता है, द वर्ड विच रिप्लेस नाउन। अगर इसको इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें ना अपन प्रोनाउन की, तो ये रिप्लेस नहीं करता है, ये क्या करता है, इट स्टॉप्स द रिपीटेशन ऑफ द नाउन। मतलब एक कोई नाम है राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल इज अ ब्रेव बॉय, राहुल इज गुड इन स्टडीज, तो ये जो राहुल 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 अपन बोलते हैं ना, तो एक बार राहुल बोल दिया उसके बाद ही या हिस चलता जाएगा। तो कहने का मतलब जो नाउन का हमारा जो वर्ड है ना उसकी जो बार बार रिपीटेशन होती है, बार बार जो वो दोहराया जाता है, वो शब्द राहुल 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 राहुल, उसके वो जो दोहराना है उसको रोकने के लिए हम लोग प्रोनाउन लगाते हैं। तो प्रोनाउन के एक्चुअल डेफिनेशन अगर समझना है तो प्रोनाउन स्टॉप्स द रिपीटेशन ऑफ नाउन, या प्रोनाउन का सेक्शन अभी हम, इसके बाद हमारा प्रोनाउन का सेशन शुरू होने वाला है, उसमें पूरा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन यहां मैं बता देता हूं कि प्रोनाउन एक वर्ड में हम डेफिनेशन क्या करते हैं, एक सेंटेंस में प्रोनाउन चेक्स चेक करता है, चेक्स चेक्स द रिपीटेशन 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 ऑफ नाउन। ये नोट कर ले आप, इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा इसका क्वेश्चन आया है, प्रोनाउन फिर से है, मैं वापस से रीड करता हूं, ध्यान से देखिएगा, प्रोनाउन चेक्स, चेक मतलब उसको चेक करता है, ठीक है, चेक करता है किसको, द रिपीटेशन ऑफ नाउन, कोई भी नाउन जो चल रहा है उसकी जो रिपीटेशन है, उसको बार बार जो उसको दोहराने वाला काम है उसको चेक करता है, उसको चेक करता है, मतलब वो बार बार उस नाउन को ना लगा देते हैं, हम लोग क्या करते हैं प्रोनाउन को लगा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ये प्रोनाउन आया है ये इस नाउन के लिए आया है, जो भी प्रोनाउन अगर हम लोग यूज कर रहे हैं ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इस नाउन को रिप्रेजेंट करता है। अब आप एक बात बताओ, स्टूडेंट तो लिविंग थिंग है, ठीक है, स्टूडेंट तो लिविंग थिंग है, और ये जो इट जो होता है ये ज्यादातर नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इट जो होता है वो नॉन लिविंग क्रिएचर के लिए यूज होता है, बट यहाँ पे स्टूडेंट तो क्या है, लिविंग है, तो यहाँ पे नॉन लिविंग के लिए हम लोग यहाँ पे इट के बदले लगा देंगे इज। अब आप बोलोगे सर इज क्यों लगाया, हर क्यों नहीं लगाया, आप देखो स्टूडेंट आपका कॉमन जेंडर है, स्टूडेंट आपका क्या है, कॉमन जेंडर है, याद रखो दोस्तों, कॉमन जेंडर जब भी आए, याद रखो कॉमन जेंडर जब भी आए तो आपको हिज भी लगाना है, ये रूल है, जब भी कॉमन जेंडर आता है, जैसे टीचर आ गया, नेबर आ गया, स्टूडेंट आ गया, ठीक है, इस तरह से कोई आए तो आपको, अगर उसमें कोई फीमेल का इंडिकेशन नहीं है तो उस केस में आपको जो है इसको ही प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है, प्रायोरिटी जो है वो इस लगाना है। तो ये याद रखें, कॉमन जेंडर की बात हो रही है, यहाँ पे लिविंग थिंग है तो यहाँ पे हिज आएगा, इट नहीं आएगा, ठीक है, इट जो है वो नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, हिज जो है वो कॉमन जेंडर में भी यूज होता है और मस्कुलाइन जेंडर में भी यूज होता है, क्लियर हुआ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फिर से बताता हूँ, ऑल स्टूडेंट शुड नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्ट एवरीथिंग इज, सॉरी 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 गड़बड़ हो गया, इज नहीं ही, क्या हो गया, इज नहीं ही हो जाए।
लोग इसको पूरा नोट करें, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करना ना भूलें। सबसे पहले क्वेश्चन, सबसे पहले काम ये है कि स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन जैसे ही आ जाते हैं आप लोग लेक्चर को पॉज करें और पॉज करने के बाद सबसे पहले नोट करें, सबसे पहले इनको नोट करें, उसके बाद आप लोग कंसेप्ट को समझें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम से लास्ट ईयर के कहीं ना कहीं कुछ पास ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं काफी, इसलिए आप लोग इनको, इन क्वेश्चन को नोट करना ना भूलें। चलिए देख लेते हैं सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन हमारा नोट करते चलिए। क्वेश्चन है हमारा शी हैज ऑर्डर टू डजन ऑफ कॉपीज ऑफ इंग्लिश बुक्स बाय मिस्टर गुप्ता। लास्ट है हमारा नो एरर, ये फिफ्थ नंबर का। चलिए इसे समझ लेते हैं। क्वेश्चंस, क्वेश्चन है शी हैज ऑर्डर्ड टू डजन ऑफ कॉपीज ऑफ इंग्लिश बुक बाय मिस्टर गुप्ता। तो उसने, यहां पे शी लड़की बात हो रही है, लेडी की बात हो रही है, उसने क्या किया, शी हैज ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर कर दिया, क्या ऑर्डर कर दिया, टू डजन ऑफ कॉपीज, कितनी कॉपीज, dozens of copies, किसकी कॉपी, इंग्लिश बुक की कॉपीज। यहाँ पे कॉपीज का मतलब क्या है, जो लिखने वाली कॉपी वो नहीं है, यहाँ पे कॉपीज का मतलब है पीसेस, ठीक है, पीसेस क्वांटिटी की बात हुई, टू डजन पीसेस, ठीक है, पीसेस मतलब यूनिट, इंडिविजुअल पीसेस, किसकी पीसेस, बुक्स के पीसेस, ठीक है। तो यहाँ शी हैज ऑर्डर्ड टू डजन ऑफ कॉपीज ऑफ इंग्लिश बुक बाय मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता से उन्होंने दो डजन कॉपी, दो डजन कॉपीज ऑफ कॉपीज की बुक्स को ऑर्डर किया। क्या गड़बड़ है इसमें, देख लेते हैं। शी प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह कोई इशू नहीं है, हैश यहां पर ऑर्डर, ठीक है, हैश ऑर्डर परफेक्ट टेंस में हमारा सेंटेंस यहां पे चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी हैज ऑर्डर, क्या ऑर्डर किया उसने, टू डजन ऑफ कॉपीज, टू डजन, ये इसमें मैंने आपको बताया था रूल में, जैसे यहां पे ये क्या आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका कार्डिनल नंबर, क्या ये कार्डिनल नंबर, कोई भी नंबर 1, 2, 3, 4, 100, 1000, ठीक है, कार्डिनल नंबर, कोई नंबर आ गया। यहां पे आपका क्या है, डजन क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, डजन आपका क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है, डजन, डजन जो है यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉपीज। जब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं ये रूल, मैंने रूल इसको लिखवाया आप लोगों को, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, जब भी ऐसा कार्डिनल नंबर आता है, ठीक है, उसके बाद अगर आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी आता है, तो ये जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ये आपका सिंगुलर होगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपका सिंगुलर होगा।
दूसरी बात ऑफ की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऑफ यहाँ पे ऑफ नहीं लगेगा, डजन के बाद ऑफ नहीं लगेगा, सीधा डजन के बाद आपका सीधा नाउन लगेगा। क्या लगेगा? नाउन लगेगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ये कार्डिनल नंबर आया, ठीक है, कार्डिनल नंबर आया, उसके बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात हो रही है, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपका जो है वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, एक वचन में होगा, उसके बाद सीधा हम जंप कर देंगे नाउन पर, मतलब आपका ऑफ नहीं लगेगा। तो ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू डजन कॉपीज। क्या हो जाएगा? टू डजन कॉपीज। आगे देख लेते हैं, कुछ हिडन मिस्टेक है या नहीं है। ऑफ इंग्लिश बुक, इंग्लिश बुक की कॉपीज, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश बुक्स की कॉपीज की बात हो रही है, बाय मिस्टर गुप्ता। तो बाकी हमारा एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों देखा आपने किस तरह से एरर के जो क्वेश्चंस होते हैं, एक चहुमुखी विकास हमारा करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, और उससे कोई एक कंसेप्ट नहीं बल्कि तीन से चार कंसेप्ट हम लोग समझते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, एरर के डिटेक्शन आपने करने से लिए, तो समझो इंग्लिश पे आपने बहुत अच्छी पकड़ बना ली। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।